हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। बच्चों, हम पढ़ रहे नीट और जेई के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। टॉपिक है हमारा सॉलिड स्टेट, तो आपको साथ साथ में क्वेश्चन करके आंसर बताने हैं, कितने आंसर करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो अच्छे क्वेश्चंस है। टॉपिक रहेगा सॉलिड स्टेट में भी स्पेशली आयोनिक क्रिस्टल, जिसमें आपको रेडियस रेशियो के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है द लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल शेप। तो अगर टेट्राहेड्रल शेप मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर आपने क्या रखा है, पार्टिकल को रखा है, तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो। तो बच्चों देखो, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको कि अगर आपका रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 है, तब तो आपने पार्टिकल को कौन से प्लेस पे रखा है, तो हम कहेंगे इट इज प्लेस्ड इन ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक, लेकिन अगर रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 है, ठीक है, इसका मतलब कि जो वॉइड है वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये रेशियो है किसके लिए, तो हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, टेट्राहेड्रल शेप के लिए। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, सो आपका आंसर होना चाहिए टेट्राहेड्रल शेप के लिए रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414। नाउ फॉर एन ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट द लोवेस्ट रेडियस रेशियो। तो बच्चों 0.15 से 0.225 क्या था, ट्राइंगुलर था। 0.225 से 0.414 क्या था, तो हम कहेंगे टेट्राहेड्रल था। अब बच्चों 0.414 से अगर रेडियस रेशियो आता है 0.732, तो पार्टिकल या कैटायन प्लेस्ड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए ये रेडियस रेशियो है। ठीक है, तो आपको लोवेस्ट रेंज पूछा है बच्चों, तो लोवेस्ट रेंज क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 0.414। सो हियर करेक्ट आंसर शुड बी 0.414। नाउ इफ द रेडियस इज इन द रेंज ऑफ 0.141 टू 0.732, देन कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी। तो बच्चों यहाँ 0.141 नहीं है, 0.414 है। ठीक है, यहाँ पे जो रेंज है वो है 0.414 से, हिंदी में लिखा नहीं है तो यहाँ पे आपको यही पढ़ना है, 0.414 से 0.732। तो बच्चों ये रेडियस रेंज अभी हमने देखा था कि कैटायन अपॉन एनायन का जो रेशियो है ना, अगर वो ये है 0.414 से 0.732, 0.414 है बच्चों, 0.414 से 0.732, तो अभी हमने देखा था ये तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। अब बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो हम कहेंगे कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो है और इससे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन NaCl क्रिस्टल R प्लस डिवाइडेड बाय R माइनस, यानी कि रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन अपॉन एनायन इज। तो बच्चों NaCl क्रिस्टल में रेडियस रेशियो, तो NaCl क्रिस्टल में क्या होता है, Na प्लस प्लेस्ड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। NaCl के क्रिस्टल में Na प्लस कहाँ होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो क्या था, तो हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल का रेडियस रेशियो है 0.414 से 0.732। तो अब आपको ऐसा आंसर सर्च करना है जो इसके बीच में हो। तो बच्चों 0.4, तो 0.4 अगर आपने सिग्निफिकेंट नंबर पढ़ा है तो 0.4, तो मैं 41 तो नहीं मान सकती, डिजिट ही आपके पास 0.4 है, तो हमें पता नहीं 4 के बाद एक्स्ट्रा डिजिट है या 4 से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना बच्चे, पहले इसको देख के टिक कर लेंगे, मुझे 41 के बाद का आंसर चाहिए, रेंज ये है 414 से बड़ा होना चाहिए। आपके पास तो 0.4 है, तो मैं इसको 0.400 कंसीडर करूँगी क्योंकि कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है इसके आगे, है ना, फिर 0.981 और 0.52। तो बच्चों इस रेंज में आने वाला आंसर क्या है, तो ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, इस रेंज में आंसर आएगा 0.52। ठीक है, बाकी दोनों इस रेंज से बाहर जा रहे हैं और 0.4 इस रेंज में नहीं आ रहा है, हमें इससे बड़ी वैल्यू चाहिए। ठीक है,
Which one of the following statement is incorrect about rock salt type of structure? ठीक है, तो बच्चों रॉक सॉल्ट मतलब NaCl मान लो. नेक्स्ट इसका हिंदी में यहाँ दिया हुआ है. रॉक सॉल्ट के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो रॉक सॉल्ट मतलब NaCl जैसा अगर स्ट्रक्चर है तो. अब बच्चों रॉक सॉल्ट में यानी NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर तो हम कहेंगे भाई Cl- माइनस का FCC अरेंजमेंट होता है. सही, Cl- माइनस FCC या CC भी लैटिस बनाता है. Na+ प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है. नाउ Na+ प्लस एंड Cl- माइनस हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6. तो बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है. नाउ अ यूनिट सेल ऑफ NaCl कंसिस्ट ऑफ 4 NaCl यूनिट्स. अब बच्चों अगर आप NaCl की बात करें प्रॉपरली, अगर मैं सिर्फ NaCl क्रिस्टल को ही डिस्क्राइब करूं तो बच्चों NaCl तो रखता है FCC अरेंजमेंट, ये होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे होते हैं? तो बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है एडसेंट प्लस बॉडी सेंटर. ठीक है, अब बच्चों एजेस होते हैं 12, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 और बॉडी सेंटर 1:1, तो Na प्लस हो जाएंगे 4. सिमिलरली Cl माइनस, तो बच्चों Cl माइनस FCC है, FCC 8 कॉर्नर पे 8, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, 6 फेसेस पे 6, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2. नाउ NaCl के स्ट्रक्चर में Na प्लस और Cl माइनस चार चार होते हैं, यानी एक यूनिट सेल में चार Na और Cl होंगे, है ना, चार सोडियम होंगे और चार ही क्या होंगे, क्लोराइड आयन होंगे. ठीक है, तो अ यूनिट सेल ऑफ NaCl कंसिस्ट ऑफ 4 NaCl यूनिट, तो सही, चार Na चार Cl मतलब NaCl एक यूनिट, तो चार NaCl चार यूनिट. नाउ ऑल हैलाइड्स ऑफ एल्केली मेटल्स है रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर. तो नहीं बच्चों, ऑल एल्केली नहीं कह सकते हैं, सोडियम पोटेशियम के हैलाइड्स तो मिल जाएगा, है ना, लेकिन सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड में तो सीजियम बहुत बड़ा कैटायन है, तो फिर सीजियम इतना बड़ा कैटायन है कि वो वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिट नहीं होगा, उसको और बड़ा वॉइड चाहिए, तो क्यूबिक में सेट होता है वो. तो हम कहेंगे नहीं, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट जैसा नहीं होता है. तो सबका तो रॉक सॉल्ट नहीं है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है बच्चों दैट इज ऑप्शन 4, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोडियम क्लोराइड Cl- आयन फॉर्म CCP अरेंजमेंट, विच साइट डज सोडियम प्लस ऑक्यूपाई इन दिस स्ट्रक्चर. तो बच्चों Cl- अभी हमने डिस्कस किया था कि भी Cl- CCP लैटिस में, सोडियम प्लस कहाँ होगा? तो NaCl में सोडियम प्लस को रखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर. ठीक है, तो बच्चों सोडियम प्लस इज प्लेस्ड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. द पोजिशन ऑफ क्लोराइड आयन इन NaCl स्ट्रक्चर. तो बच्चों सेम क्वेश्चन ही है, तो हम कहेंगे भाई क्लोराइड आयन क्या बनाता है? FCC. अब FCC मतलब, तो देखो सिर्फ कॉर्नर तो नहीं हो सकता, सिर्फ फेस सेंटर नहीं हो सकता, कॉर्नर भी होगा और साथ साथ में फेस सेंटर भी होगा, तो हम कहेंगे कॉर्नर विद फेस सेंटर. सो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सी. द नंबर ऑफ NaCl यूनिट्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल ऑफ NaCl. तो बच्चों NaCl की एक यूनिट सेल में कितने NaCl होते? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई Na प्लस और Cl माइनस. तो बच्चों Na प्लस हमने देखा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर. तो कैलकुलेट करोगे तो चार सोडियम आएंगे. और Cl माइनस होता है बच्चों फेस सेंटर, तो फेस सेंटर की कैलकुलेशन करोगे तो चार आएंगे. तो एक यूनिट सेल में चार Na प्लस और चार Cl माइनस, यानी 4 NaCl यूनिट्स होती है. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी आंसर 3, लेकिन आंसर है 4. थोड़ा ध्यान रखेंगे, नहीं तो 4 करके बच्चे फोर्थ ऑप्शन टिक कर देते हैं तो गलत हो जाएगा. ऐसी गलती बहुत बच्चे करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है. नाउ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म्ड बाय CCP अरेंजमेंट ऑफ Cl- आयंस इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर आर. तो बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन.
टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म्ड बाय सीसीपी अरेंजमेंट ऑफ सीएल माइनस आयन. तो भी वॉइड तो होंगे, वॉइड मतलब खाली जगह, तो वॉइड तो ऑक्टाहेड्रल भी होंगे और उसके दुगने टेट्राहेड्रल भी होंगे. लेकिन NaCl में टेट्राहेड्रल वॉइड में तो कोई नहीं होता. NaCl में Cl माइनस लैटिस में सीसीपी अरेंजमेंट में होता है, Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है. तो टेट्राहेड्रल में कौन होता है? तो हम कहेंगे नहीं, कोई नहीं होता, खाली होता है. तो वेकेंट लिख दें कि भाई टेट्राहेड्रल वॉइड तो कोई भी ऑक्यूपाई नहीं करता. सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर वेकेंट. द स्ट्रक्चर ऑफ MgO इज सिमिलर टू NaCl. द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Mg इज. तो बच्चों NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो हम कहेंगे 6:6. अब ये कह रहा है MgO भी जो है इसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, आइसो स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है. तो सेम है तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? तो 6:6 होना चाहिए अगर सेम स्ट्रक्चर है. तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, आंसर 6. द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस एंड सीएल माइनस आयन स्ट्रक्चर इज. तो बच्चों देखो सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर आप स्टडी करोगे तो आप क्या देखोगे कि क्यूब में जो कॉर्नर्स है ना, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे तो बच्चों खाली सीएल माइनस होता है. तो यहां तो सीएल माइनस है, सारे कॉर्नर पे सीएल माइनस है. ठीक है, अब बीच में बहुत बड़ा वॉइड बनता है और वहां सीजियम प्लस है. ठीक है, तो वही सीजियम प्लस सेंटर में है. तो देखो जैसे मान लो क्यूब, यानी आप रूम को मान लो आपका क्यूब है, तो चार छत के कोने हुए, चार फ्लोर के कोने हो गए. तो चार छत के कोने, चार फ्लोर के कोने और बीच में सीजियम है. तो हम कहेंगे सीजियम ऊपर के चार छत वाले कॉर्नर को टच करेगा और फ्लोर के भी कॉर्नर को टच करेगा. तो सीजियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 8 है. ठीक है, अब भाई अगर सीजियम इस क्लोरीन को टच करेगा तो क्लोरीन भी तो सीजियम को टच करेगा. लेकिन आप कहोगे तो एक ही है सीजियम. तो बच्चों कॉर्नर पे, और एक कॉर्नर जो है वो एक क्यूब में अपना हिस्सा 1/8 देता है. मतलब एक कॉर्नर 8 क्यूब में ही कॉर्नर चलता है. तो वो अपनी यूनिट सेल में अगर सीजियम को टच करेगा तो वो तो 8 यूनिट सेल में घूम रहा है, तो 8ों में वो क्या करेगा? सीजियम को टच करेगा. तो एक सीजियम के चारों तरफ 8 सीएल होते हैं, 4 टॉप पे और 4 बॉटम में. सिमिलरली एक सीएल माइनस के चारों तरफ भी 8 सीजियम प्लस होते हैं. तो बच्चों सीजियम क्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा दैट विल बी 8:8. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. अ यूनिट सेल ऑफ सीजियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ. तो बच्चों अब अभी पढ़ा था हमने भाई सीजियम क्लोराइड में सीजियम प्लस और सीएल माइनस. तो सीजियम प्लस तो बीचों बीच में है क्यूबिक के, बट सेंटर पे मान लो अकेला है, तो ये तो हो गया 1. और सीएल कॉर्नर पे है, तो बच्चों कॉर्नर 8, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8. तो सीजियम 1 सीएल 1, तो एक यूनिट सेल में 1 यूनिट सीजियम क्लोराइड होगा. सो यर ऑप्शन विल बी 1. नाउ द NaCl स्ट्रक्चर कैन बी कन्वर्टेड इंटू सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर. तो बच्चों तुम्हारे पास स्ट्रक्चर तो है NaCl, तुम्हें बदलना है सीजियम क्लोराइड. तो भाई यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8. तो अब मैं क्या करूँ भाई, 6 है, तो अगर मैं बाहर से हाई प्रेशर अप्लाई करूँ तो हाई प्रेशर अप्लाई करने पर क्या होगा, एटम पास पास आ जाएंगे, तो ये चीज़ इसमें बदल जाएगी, है ना. अगर हम एक्सटर्नली क्यूबिक पे क्या करें, लैटिस पे क्या करें, प्रेशर अप्लाई करें, तो जो आइटम दूर दूर थे वो पास पास आ जाएंगे. तो बच्चों पास पास आ जाएंगे, तो पहले 1 को 6 जने सराउंड कर रहे थे, अब 8 जने सराउंड करेंगे, तो ये इसमें बदल जाएगा. तो हम कहेंगे हाँ बदल तो सकते हैं, अगर क्या किया जाए तो बच्चों हाई प्रेशर अप्लाई किया जाए तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ TlCl ठीक हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू सीजियम क्लोराइड. द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ TL प्लस. तो बच्चों TL मान लो थेलियम हो गया आपके पास, तो थेलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर सीजियम क्लोराइड के सेम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ. तो सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 था, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए. तो बच्चों क्या होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो होना चाहिए 8:8. क्लियर, तो हम कहेंगे भाई
ये हो गए हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉलिड स्टेट, जो कि स्ट्रिक्टली बेस्ड थे NaCl और सीजियम क्लोराइड टाइप के स्ट्रक्चर्स पे, टाइप के आयोनिक क्रिस्टल पे। तो आई होप बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके नीट जेई में आते तो आप फटाफट कर लें, आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।